अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल स्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत होंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को। आज हम वीडियो बनाएंगे, आज वैसे आपको बता दें इस्लामाबाद से वापसी लाहौर पर लाहौर जा रहे हैं और सियाल मोड़ पर हमने कहा बनाएँ वीडियो, क्योंकि सियाल स्टेट की वीडियो तो सियाल मोड़ पर बना लें, तो सियाल मोड़ रेस्ट एरियाज़ में हम रुके हैं। मेरे साथ आज कैमरामैन जो है वो अमीर हमजा साहब हैं, ये शरैपर करते हैं, साथ में नाइन प्रिज्म को डील करते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी अपडेट आपके साथ शेयर कर लें कि ओवरऑल मार्केट में कंडीशंस किस तरह की जा रही है, सूरत हाल क्या है। काफ़ी मार्केट में अब मैं वीकली अपडेट में बता चुका हूँ कि थोड़ा रिवर्स भी हुआ रेट, और जमूद भी है कि मार्केट ट्रेड उस तरह की नहीं हो रही, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मार्केट इंशाल्लाह सफ़र के बाद इससे बेहतर परफॉर्म करेगी। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो भी सेक्टर काम कर रहे हैं उनके अंदर फाइल्स के ऊपर थोड़ा सा बात रोशनी डालूंगा कि फाइल्स में आपको अभी टाइम है कि आप फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करें। फेस 10 रिवर्स है, 110 का एफिडेविट का रेट है, 15 और 16 की बिटवीन एलोकेशन का रेट है, कनाल का 10 मरला को 68 to 70 की ब्रैकेट की जा रही है, 5 मरला को 52 to 55 की ब्रैकेट 4 की जा रही है। ये 10 की सूरत, 10 में लॉन्ग टाइम के लिए मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त रहेगी कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको फ़ायदा होगा। फेज़ 13 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। लाहौर में अगर हम देखते हैं कि लोएस्ट रेट है DHA का, तो वो फेज़ 10 है, फेज़ 13 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल DHA फेज़ 7 की फाइल्स काफ़ी बेल्टिंग में चली गई, 7 मरला, 5 मरला और 10 मरला उन्होंने पहले थोड़ी बेल्टिंग की थी, 9 प्रिज्म की काफ़ी बेल्टिंग हुई है, पीछे 3 महीने पहले हुई थी। आप बाकी जो फाइल्स हैं उसके अंदर भी वो बेल्टिंग में जा रहा है। मैं समझता हूँ अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप फाइल्स में जाना चाहते हैं तो आप 9 प्रिज्म बेस्ट रहेगा आपके लिए, 9 टाउन उससे भी बेस्ट रहेगा कि 9 टाउन की लोकेशन जो आ रही है, अगला ब्लॉक जो है वो बहुत हॉट लोकेशन है, एफ ब्लॉक अगर उसको बोलते हैं, या बी एक्सटेंशन कर देते हैं या बी प्रॉपर में ले आते हैं उसको, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पर। अभी कमर्शियल के हवाले से बताऊँ तो कमर्शियल फाइल्स में भी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। आप अगर 9 टाउन के अंदर करते हैं या 9 प्रिज्म के अंदर करते हैं तो ये कमर्शियल के लिए भी बहुत बेहतरीन टाइम है कि आप उसमें बाइंग करें, वो रेट भी मुनासिब है, कंट्रोल रेट है, कल को आपको उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि कमर्शियल ऑलरेडी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल कमर्शियल बहुत ज़बरदस्त रेट लेता है। अगर हमारा 4 मरला का प्लाट इन पैसों में 2.75 करोड़ की ब्रैकेट में 285 का बनता है, तो मेरे ख्याल में बेस्ट है आज के इन्वेस्टमेंट, 4 साल बाद 3 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसी तरह अगर हम कनाल की फाइल लेते हैं फेज 10 के अंदर, तो वो भी हमें 3 साल बाद डबल फ़ायदा देगी, उसमें कमी नहीं होगी। रेट जो उसने रिवर्स लेने थे ऑलमोस्ट ले चुका है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता रेट नीचे आएंगे, क्योंकि ओवरऑल अगर हम डॉलर्स को कंसीडर करते हैं, पूरे सिस्टम को करते हैं, तो महंगाई बहुत हो चुकी है, तो ये लैंड भी इतनी नीचे नहीं आएगी जो आनी थी। काफ़ी दबाव था टैक्सेस का, उम्मीद है टैक्स में भी गवर्नमेंट थोड़ा रिलीफ देगी हमें। अगर गवर्नमेंट थोड़ा रिलीफ देती कोई पैकेज का, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि आप पैकेज का ऐलान करें, ताकि जो सूरत हाल मुल्क की बन गई है इसमें रेवेन्यू तो बिल्कुल जनरेट ही नहीं हो रहा। आप कर्ज़ा ले लेके मुल्क तो नहीं चला सकते, कम से कम आपने हमें पाँव पे खड़ा होना होगा और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने के लिए सबको टैक्स देना होगा। और टैक्स लेने का तरीका होता है कि आप टैक्स किस रेशो से लगाते हैं। आप एक इंडस्ट्री चलती हुई के ऊपर एकदम टैक्स की भरमार कर देंगे तो वो बिल्कुल इंडस्ट्री बैठ जाएगी, जिससे आपको अभी पंजाब में देख लें, फेडरल में देख लें, जो टारगेट्स से FBR के या पंजाब गवर्नमेंट के, वो सारे नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि नहीं हो रहा है कि रेशियो बहुत नीचे चलेगी, लोग अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा टैक्स लगे, यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा होगा। हम अभी ये आपको दिखा रहे, बड़ी ज़बरदस्त एरिया में पीछे देख रहा हूँ ग्रीनरी बड़ी ज़बरदस्त। अभी हम सियाल मोड़ पर क्योंकि रुके हैं, ये थोड़ा यहाँ पर एक्टिविटी पीछे दिखा है, ये KFC वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हैं कि एक्टिविटी भी है और साफ़ सुथरा माहौल है, कानून की पासदारी यहाँ पे मोटरवे पे तो स्पेशल करते हैं, तो हमें हर लम्हा जो पाकिस्तान हमारे अदरवाइज मोटरवे से हट के भी जाते हैं तो हमें कानून की पासदारी करना होगी, हमें उस मामलात में जाना होगा कि एक बेहतरीन शहरी बने। बाकी मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें फेज 7 को हमने डिस्कस किया, 9 प्रिज्म को डिस्कस किया, अभी हम मुल्तान इंशाल्लाह जाएंगे, मुल्तान में डिस्कस करेंगे, सारी ओवरऑल चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि मुल्तान के अंदर प्रोजेक्ट जो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, आया उसमें रेट अभी डाउन हुए हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट बनती नहीं,
मुल्तान में लाहौर के बाद अगर हम देखते हैं तो मुल्तान में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं कि वहाँ पे आप इस रेट पे जब अगर परचेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। यानी कि सियाल स्टेट की हम वक्त कोशिश है कि आपको वो पॉकेट बताए, वो जगह बताए जहाँ पे इस वक्त करंट सिचुएशन में मार्केट में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कहाँ फ़ायदा हो सकता है। तो वो चंद जगह है मैंने जो बताई, डी एच मुल्तान में आप कर सकते हैं, फेज़ 10 के अंदर कर सकते हैं, 13 के अंदर कर सकते हैं, फेज़ 7 में या 9 प्रिज्म के अंदर प्लॉट्स में कर सकते हैं, बट उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाना पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, हमारी कोशिश थी, चलो वीडियो बीच में नहीं लगी तो आइए वीडियो हम पोस्ट करेंगे आपके साथ, तो आप इसको पसंद करें, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और नए देखने वाले से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाजमी आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला अफजाई हो और हम नई नई चीज़ों के ऊपर काम करें। काफ़ी अभी नए चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको हमारी ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।